सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम रियल एस्टेट और फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। अगर आप कोई एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप एक बार लैंड रिकॉर्ड डिटेल्स जरूर चेक कर लें खरीदने से पहले या बेचने से पहले। अब लैंड रिकॉर्ड डिटेल्स चेक करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि उसमें आपको सारी ओनरशिप डिटेल्स मिल जाती हैं, कौन उस जमीन का रियल ओनर है, कितना उसका एग्जैक्ट एरिया है, किस तरीके की वो लैंड है, उस लैंड के ऊपर कोई लोन तो नहीं है, कोई लीज तो नहीं है, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। अब हिमाचल प्रदेश के अंदर लैंड रिकॉर्ड्स को हम जमाबंदी के नाम से जानते हैं या फर्द भी बोलते हैं इसको, और जमाबंदी के अंदर आपको खेवट वाइज या खतौनी वाइज या खसरा वाइज सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। अब पहले के टाइम में अगर आपको कोई लैंड रिकॉर्ड चेक करने होते थे तो आपको तहसील ऑफिस में जाके पटवारी को एक एप्लीकेशन देनी होती थी और फिजिकली प्रेजेंट भी होना पड़ता था वहां पे, तब जाके आपको एक ऑथराइज्ड कॉपी मिलती थी। लेकिन अब नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत सारे के सारे लैंड रिकॉर्ड्स को सारी स्टेट्स में डिजिटाइज किया जा रहा है और सारे लैंड रिकॉर्ड्स अब ऑनलाइन अवेलेबल हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी अब आप सारे के सारे लैंड रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप हिमाचल प्रदेश में कोई भी जमीन की डिटेल्स निकाल सकते हैं ऑनलाइन घर बैठ के, और लास्ट में मैं इस वीडियो में कुछ लैंड रिकॉर्ड रिलेटेड टिप्स भी शेयर करने वाला हूं आपसे, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए जिससे आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ना मिस कर दें। चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हिमाचल प्रदेश में किसी भी जमीन की डिटेल्स निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल में जाके आप जमाबंदी हिमाचल टाइप करेंगे और जैसे ही एंटर मारेंगे आपके पास ये सारे रिजल्ट्स निकल के आ जाएंगे। पहला ही रिजल्ट आप देख रहे हैं lrc.hp.nic.in का आ रहा है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आपको सारी लैंड रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी जहां पे आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपने कोई आधार नंबर लिंक किया हुआ है किसी जमीन के साथ तो आप यहां पे आधार नंबर डाल के डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई एप्लीकेशन दी हुई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तो आप अपनी एप्लीकेशन नंबर डाल के भी एक सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप किसी ज़मीन की डिटेल्स निकालना चाहते हैं, आप कोई लैंड खरीदना चाहते हैं या अपनी ज़मीन की डिटेल निकालना चाहते हैं जिसका खसरा नंबर या खतौनी नंबर आपके पास है, तो आप जाएंगे यहाँ पे नीचे ऑप्शंस में। सबसे पहले आप अपना जिला चुनेंगे, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कुल्लू ले लेता हूँ। फिर आप अपनी तहसील चुनेंगे, तहसील में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आनी ले लेते हैं। गांव आप अपना चुनेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद जमाबंदी वर्ष चुनेंगे आप अपना, जब भी जमाबंदी हुई है लास्ट। तो उसके बाद आपके पास ये सारे ऑप्शंस निकल के आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शजरा नसब और जमाबंदी के दो ऑप्शंस आ रहे हैं। शजरा नसब वो होता है जब आपकी जो ओनरशिप ट्रांसफर होती है किसी लैंड की, तो वो वाली सारी डिटेल्स निकल के आती हैं उसमें। यहाँ पे अभी हम जमाबंदी पे फोकस कर रहे हैं जिसमें आपके पास सारी ओनरशिप डिटेल्स निकल के आ जाती हैं। तो जमाबंदी में आपके पास तीन ऑप्शंस निकल के आते हैं सर्च के, खेवट के, खतौनी के और खसरा नंबर के। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ किस तरीके की डिटेल निकल के आती हैं इन तीनों में। खेवट के अंदर ओनरशिप वाइज खसरे की डिटेल निकल के आती हैं, मतलब कि मान लीजिए एक परिवार है, चार सदस्य हैं उसके अंदर, और मान लीजिए उनके पास 10 खेत हैं जिनको वो ओन करते हैं, तो वो सारी डिटेल खेवट से निकल के आ जाती है। उसी तरह खतौनी में कल्टीवेटर के हिसाब से निकल के आ जाती है, जैसे यहाँ पे ओनर्स के हिसाब से निकल के आ रही है खेवट में, खतौनी में कल्टीवेटर्स के हिसाब से आती है। मान लीजिए जो उस जमीन को बो रहा है, पहले तो चार ओनर्स थे मान लीजिए खेवट में, अब मान लीजिए कोई दो तीन लोग हैं, एक परिवार है, वो काफ़ी सारी ज़मीन बो रहा है, उसने किसी ओनर से ले रखी है वो ज़मीन, तो वो वाली जो खतौनी होती है उसमें वो जितना भी एक परिवार है उनके पास कितनी लैंड है जिसको वो बो रहे हैं, जो वो कल्टीवेट कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स खतौनी से निकल के आ जाती हैं। उसके बाद खसरा में एक पर्टिकुलर खेत या खसरा या प्लॉट जिसे हम कहते हैं, उसकी पर्टिकुलर खेत की डिटेल निकल के आ जाती है। हम एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं इन तीनों को, एक एक एग्जाम्पल निकाल के देख लेते हैं। तो अब हम अगर मान लीजिए खसरा नंबर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, तो अब हम एक खसरा नंबर चुन लेते हैं और उसकी डिटेल निकाल लेते हैं। मान लीजिए मैं एक 10 खसरा नंबर ले लेता हूँ। आप अगर इसकी जमाबंदी की कॉपी अगर ईमेल भी करना चाहते हैं तो अपना आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हम कैप्चा कोड एंटर करेंगे यहाँ पे, तो वो करके देख लेते हैं। उसके बाद आप ओके पे दबाएंगे। देखिए ये खसरा की डिटेल आ गई आपके पास।
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपकी खेवट नंबर लिखी हुई है, ये खेवट नंबर है इसकी 20/16। उसके बाद ये आपकी खतौनी नंबर है, यहाँ पे देख रहे हैं आप ये 23। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है काश्त व कब्जा स्वयं, इसका मतलब है कि कल्टीवेटर और जो ओनर है वो सेम है इसके इसके अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पर्टिकुलर खसरे की डिटेल आ गई, ये 10 नंबर खसरा है। यहाँ पे इसका एरिया आ गया, एरिया दिया गया है यहाँ पे हेक्टेयर, एयर और स्क्वायर मीटर में। देख रहे हैं आप ये मीट्रिक सिस्टम के हिसाब से दी गई हैं, तो ये हो गया 1 हेक्टेयर, ये 1 हेक्टेयर इसका एरिया है, और ये इसके बाद ये एयर होता है और ये स्क्वायर मीटर होता है। तो जब हम मीट्रिक सिस्टम में देखते हैं तो ये हेक्टेयर, एयर और स्क्वायर मीटर में मानी जाती है, और ये टाइप ऑफ लैंड हो गई बाथल स्वयं। उसके बाद यहाँ पे अगर ये लैंड कहीं से ट्रांसफर हुई है किसी को तो वो वाली डिटेल यहाँ पे आ जाती है। तो इस तरीके से आपके पास आ गई डिटेल खसरा वाइज। अब हम ये देख लेते हैं कि खतौनी वाइज या खेवट वाइज कैसे आती है निकल के डिटेल। तो अब हम वापस इसमें जाते हैं और अब हम ये खेवट वाइज देख लेते हैं कि खेवट वाइज कैसे निकल के आती है डिटेल। तो अगर हम मैं खेवट ले लेता हूँ, हमने खेवट लास्ट उसमें 20 नंबर देखा था, तो अभी हम 20 नंबर ही ले लेते हैं, सेम ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसके बाद हम ये कैप्चा कोड एंटर करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये खेवट नंबर के हिसाब से डिटेल्स निकल के आ गई हैं। तो इस पर्टिकुलर खेवट में जो 20 खेवट है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये 2 खतौनी लग रही हैं, 23 और 19, और साथ में ये सारे खसरे आ रहे हैं। आप देखिए ये 10 नंबर खसरे की भी डिटेल आ गई, हमने लास्ट खसरे की डिटेल जो देखी थी सेम वही 1 हेक्टेयर का इसका एरिया है, और सेम सारे खसरे जितने भी हैं इस खेवट के अंदर जितने भी खसरे आ रहे हैं वो सारी डिटेल निकल के आ गई यहाँ पे। तो इस तरीके से आपके पास खेवट वाइज डिटेल निकल के आ जाती है। उसके बाद खतौनी के हिसाब से भी एक बार देख लेते हैं कैसे डिटेल निकल के आती है। तो अभी हमने यहाँ पे खतौनी सेलेक्ट किया, फिर हम खतौनी डालेंगे यहाँ पे, खतौनी नंबर 23 हमने देखा था वहाँ पे। तो खतौनी नंबर यहाँ पे चुनने के बाद आप अपनी यहाँ पे ये कैप्चा कोड एंटर करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब देख लेते हैं कि किस तरीके से खतौनी के हिसाब से डिटेल निकल के आती है हमारी। तो ये देखिए ये खतौनी के हिसाब से हमारी डिटेल निकल के आ गई। अब आप देख रहे हैं ये 23 नंबर खतौनी है और खेवट नंबर वही 20 है। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि खसरा नंबर 10 कहाँ पे है। ये देखिए 10 नंबर खसरा आ गया यहाँ पे, सेम डिटेल्स हैं। तो इस हिसाब से आपकी ये खतौनी वाइज डिटेल निकल के आ जाती हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी लैंड रिकॉर्ड की डिटेल निकाल सकते हैं, किसी भी जमीन की डिटेल निकाल सकते हैं, खेवट के हिसाब से भी, खतौनी के हिसाब से भी और खसरे के हिसाब से भी। अब हम ये देख लेते हैं कि आपके पास एक बार ये लैंड रिकॉर्ड्स निकल के आ जाते हैं तो आप उनको किस तरीके से अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर भी मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। तो इसमें सबसे पहली बात का जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऑनलाइन रिकॉर्ड्स होते हैं ये खाली इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए होते हैं, ये लीगली वैलिड नहीं होते हैं, इन्हें आप एज एविडेंस कहीं किसी कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई ऑथराइज्ड कॉपी चाहिए जो ऑफिशियली आप लीगली वैलिड मान सकते हैं, तो आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एक एप्लीकेशन देके निकलवाना होगा, जहां पे तहसीलदार और पटवारी बैठते हैं। तो वहां पे आपको तहसील ऑफिस में एक एप्लीकेशन देनी होगी और कुछ फीस होती है नॉमिनल सी, 20-25 रुपये, 50 रुपये, ऐसे अलग अलग स्टेट में वो उतनी फीस होती है, तो वो आपको भरनी होगी। उसके बाद आपको ऑफिशियल कॉपी मिल जाएगी। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है कि लैंड रिकॉर्ड्स हेल्पफुल कैसे होते हैं, किस तरीके से आप इन्हें एग्जैक्टली यूज कर सकते हैं। पहली बात तो कि अगर आप अपनी खुद की डिटेल्स चेक करना चाहते हैं, आपने कोई पहले जमीन खरीदी है या आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो आप अपना नाम चेक कर सकते हैं और सारा का सारा डिटेल चेक कर सकते हैं, जैसे एरिया, किस तरीके की वो लैंड है, वो सब चेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टी फ्रॉड से बच सकते हैं। आप पूरा चेक कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स, जो भी आप खरीदना चाह रहे हैं, कि जिस भी ओनर से खरीद रहे हैं वो सही में ओनर है कि नहीं, उसका नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं आपके लैंड रिकॉर्ड्स में, जमाबंदी में या आपके खसरा खतौनी में। उसके बाद उस लैंड का एग्जैक्ट एरिया कितना है ये पता चल जाता है, किस टाइप की लैंड है, एग्रीकल्चरल है, नॉन एग्रीकल्चरल है, वो ग्राम पंचायत की लैंड तो नहीं है, कहीं किसी रास्ते वाली लैंड तो नहीं है, वो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि कोई एनकम्ब्रेंसेज नहीं है, एनकम्ब्रेंसेज मतलब कोई किसी भी थर्ड पार्टी का कोई क्लेम तो नहीं है उस प्रॉपर्टी पे, जैसे कि या तो कोई लोन नहीं है या कोई वो किराए पे या लीज पे नहीं दी गई है या कोई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नहीं है, ये भी आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं लैंड रिकॉर्ड से। फिर तीसरा हमारा पॉइंट आ जाता है कि जब भी आप कोई लैंड खरीदते हैं तो उसमें आपको 2 चीज़ें करानी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। पहला तो सेल डीड आपको रजिस्टर करानी चाहिए, दूसरा सेल डीड रजिस्टर कराने के बाद आपको म्यूटेशन करानी बहुत ज़रूरी है। म्यूटेशन का मतलब ये है कि वो प्रॉपर्टी का में आपका नाम चेंज हो जाएगा, जो पहला ओनर है उसकी जगह आपका नाम आ जाएगा उस जमाबंदी के अंदर या उस खसरा खतौनी के अंदर। तो लैंड रिकॉर्ड के अंदर
आपका नाम आना बहुत जरूरी है, वो उस प्रोसेस को हम म्यूटेशन कहते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि खाली सेल डीड करा के ये सोचते हैं कि वो ओनर बन गए, बट वहां पे प्रोसेस खत्म नहीं होता है। काफी बार फ्रॉड हो जाता है कि म्यूटेशन कराते नहीं है कुछ लोग, तो होता क्या है कि जो प्रीवियस सेलर होता है वो उस प्रॉपर्टी को दोबारा भी बेच सकता है। तो उस तरीके के प्रॉपर्टी फ्रॉड को अवॉइड करने के लिए आपके लिए जरूरी है कि सेल डीड कराने के बाद आप अपनी म्यूटेशन भी जरूर करा लें। अब सेल डीड का क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है डिटेल, आप वो देख सकते हैं मेरा, और म्यूटेशन किस तरीके से होती है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप वो वाले दोनों वीडियो भी मेरे जरूर देख लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर लें। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं या आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कॉमेंट कीजिए। मैं इसी तरह के फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोज हर रोज लेके आता रहता हूं, तो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और बेल आइकन को भी अपने फोन में जरूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुश रहिए।